दृष्टिबाधित लोगों को लेकर, महिलाओं को लेकर ये फुटबॉल मैच होने जा रहा है खेला होबे, उसकी आज थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग होने जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत ही अच्छा एक तो कॉन्सेप्ट है। हम लोग भी एक प्लेयर हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग का खेला देखने के लिए बहुत जन आते हैं। सेम वे यहाँ पे जो अभी ये खेला होने वाला है, एक तो फॉर द ब्लाइंड, एक जो फिजिकली चैलेंज्ड है, और एक लड़की लोग का खेला। यस, ऑफ कोर्स इट्स वेरी सैड कि हम लोग का जो एक जिसका ड्रीम था, अनफॉर्चुनेटली वो आदमी ब्लाइंड है या यू नो फिजिकली चैलेंज्ड हुआ है। बट ये जो यू नो द जंक्शन हाउस जो है ऑर्गेनाइज किया है फुटबॉल टूर्नामेंट या फुटबॉल मैचेस, ये लोग के लिए, सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड आई सपोर्ट दिस कॉज बिकॉज इट्स अ नोबल कॉज। सो मेरे ख्याल से जो जो बिंग the singer, you know, जो theme song जो गाएगा, so yes, overall it's a very good thing what is happening. सर, कोई भी खेल हो काफ़ी चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है, ठीक है, तो किस तरीके से आप अपने आप को डेवलप करते हो या लोगों को कहना चाहोगे कि इस तरीके से डेवलप किया जा सकता है अपने स्किल को एनहांस करने के लिए? देखो, ये तो अपना इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, तो हर एक बंदा, हर एक आदमी का अलग अलग ढंग होता है कि अपने आप को मोटिवेट करना। मैं अपने आप को जैसे मोटिवेट करता हूँ, शायद मेरा दोस्त शायद उस ही माइट नॉट अग्री विद मी, ही माइट हैव हिज ओन वेज ऑफ यू नो मोटिवेटिंग हिमसेल्फ। तो बट ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है, आई सपोर्ट द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग हो रही है, आप किस तरीके से, मतलब कितने उत्साहित हो? मतलब ऑफ कोर्स आई एम ईगरली वेटिंग टू हियर दिस सॉन्ग, तो बिकॉज आज तो सॉन्ग रिलीज होगा या वो गाएगा, तो यू नो उसके आगे तो मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब फुटबॉल के लिए भी थीम सॉन्ग, लाइक आई विश दिस क्वेश्चन वाज फॉर मी आफ्टर द प्रेस मीट, बट जो भी है, आई होप दैट द सॉन्ग विल बी रियली गुड एंड एवरीबॉडी विल लाइक द सॉन्ग। एंड जिस दिन खेला होगा, दैट इज ऑन द 13th ऑफ नवंबर, तो उस दिन में शायद ये गान जब गाएगा या जब डिस्प्ले किया जाएगा, एवरीबॉडी विल एंजॉय इट।